एमपी चुनाव में अब महज 3 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्री सिंधिया को झटका लगा है। बता दें, उनके साथ कांग्रेस से आए एक समर्थक का टिकट पार्टी ने काट दिया। गोहद विधानसभा सीट से सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट पार्टी ने काट दिया। उनकी जगह पर बीजेपी ने लाल सिंह आर्य को अपना उम्मीदवार बनाया। लाल सिंह आर्य गोहद से 3 बार विधायक रह चुके हैं और एमपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव ने लाल सिंह आर्य को हराया था। हालांकि बाद में रणवीर जाटव सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। लाल सिंह आर्य को साइड कर बीजेपी ने गोहद से रणवीर जाटव को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया, लेकिन रणवीर जाटव कांग्रेस के मेवाराम जाटव से बुरी तरह हार गए, जिसके बाद से ही संभावना ये जताई जा रही थी कि बीजेपी लाल सिंह आर्य को भिंड लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीजेपी ने सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का पत्ता काट लाल सिंह आर्य को गोहद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसे में अब देखना यह होगा कि रणवीर जाटव बीजेपी में बने रहते हैं या टिकट कट जाने से नाराज होकर वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सिंधिया के कुछ और समर्थकों के टिकट कट सकते हैं। ऐसे में बगावत बढ़ सकती है। सिंधिया के कुछ समर्थक पहले ही बीजेपी से अलग हो गए हैं। ऐसे में अब इंतजार बीजेपी की अगली लिस्ट का है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।